एसएच चंदोले विद्या मंदिर मराठी माध्यम डोंबिवली वेस्ट प्रेजेंटेड बाय मिसेस दीपाली किरण गवानी कक्षा पांचवी विषय हिंदी सुलभ भारती। आज हम पहली इकाई का पृष्ठ क्रमांक एक का आओ खेले यह पाठ देखने वाले हैं। नमस्कार सभी को, मैं दीपाली और आप देख रहे हैं हिंदी भाषा का पहला लेक्चर। आज का हमारा पाठ है आओ खेले। तो चलो अब शुरू करते हैं। बच्चों, आप लोग कौन कौन से खेल खेलते हो? हम कैरम, गुड्डी बोर्ड और पकड़म पकड़ाई और छुपन छुपाई यह खेल खेलते हैं। सही है छात्रों, आप का यह खेल खेलना सही है, क्योंकि सभी जगह खड़ी हुई लंबी लंबी इमारतों के कारण आपको मन चाहे खेल खेलने के लिए ज़्यादा जगह ही नहीं मिलती है। मैंने अभी आपको जो चित्र दिखाए हैं, उसमें खेलने वाले सभी खेल अब पुराने हो चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ खेलों की विस्तारित रूप से जानकारी लेने वाले हैं। अब मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ, उसका निरीक्षण करके और इसमें बच्चे कौन से खेल खेल रहे हैं यह आप मुझे बताओ। चित्र में एकूण चार खेल के चित्र दिखाए गए हैं। तो पहला खेल है लगोरी, दूसरा खेल है गुल्ली डंडा, तीसरा खेल है कबड्डी और चौथा खेल है क्रिकेट। लगोरी। लगोरी महाराष्ट्र के गांवों का प्रिय खेल है। यह खेल किसी खुली जगह में दो दलों के बीच खेला जाता है। इसमें टाइल्स या ईंट के सात टुकड़े एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। दोनों दलों के खिलाड़ी बारी बारी से गेंद से टाइल्स या ईंट के टुकड़े गिराते हैं। टुकड़े गिरने पर उस दल के बच्चे भागते हैं और दूसरे दल के बच्चे उसी गेंद से उनकी मारकर आउट करने की कोशिश करते हैं। इस बीच पहले दल के बच्चे 60 टुकड़ों की फिर एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। इसे लगोरी यह खेल कहते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि लगोरी यह खेल कैसे खेलते हैं। हमारा अगला खेल है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा यह गांवों और शहरों का लोकप्रिय खेल है। इस खेल में गुच्ची यानी गड्ढे के दोनों किनारों पर लकड़ी की नोकदार गुल्ली रखी जाती है। इसे डंडे से उछालकर फेंका जाता है। आसपास खड़े खिलाड़ी गुल्ली को लपकने की ताक में रहते हैं। गुल्ली
लपक लेने पर उछलने वाला खिलाड़ी आउट हो जाता है, अथवा दूर गई गुल्ली वहाँ से फेंकने पर डंडे में लगने से भी खिलाड़ी आउट हो जाता है। आउट न होने तक गुल्ली उछालने वाला खिलाड़ी अपना डाव जारी रखता है। यह थी गुल्ली के बारे में आपको दी गई विस्तृत जानकारी। मुझे लगता है कि आप गुल्ली के बारे में और डंडे के बारे में अब अच्छी तरह से जान चुके होगी, क्योंकि जो भी गुल्ली उछालता है जब तक वो खिलाड़ी आउट नहीं होता है तब तक वो अपना दाव जारी रखता है, और जब वो आउट होता है तो दूसरा खिलाड़ी अपना दाव खेलने के लिए आगे आता है। जब हम हमारी गुल्ली उछालते हैं तब बाकी आसपास के खिलाड़ी उसे लपकने की कोशिश में रहते हैं। अब आपको मुझे लगता है कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि गुल्ली डंडा कैसे खेलते हैं। अगला खेल है कबड्डी। कबड्डी खेल में दो दल होते हैं। एक दल का खिलाड़ी दूसरे दल में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाता है। वह एक ही सांस में ये शब्द बोलते हुए दूसरे दल के किसी खिलाड़ी को छूकर उसे आउट करने और अपने पाले में लौट आने का प्रयत्न करता है। यह खेल खुले मैदान में खेला जाता है। हमारा अगला और आखिरी का खेल है क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में आप सब लोग मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जानते हो, लेकिन मैं कुछ संक्षिप्त में क्रिकेट के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। क्रिकेट इस खेल में दो दल होते हैं। प्रत्येक दल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक दल गेंदबाजी और दूसरे दल बल्लेबाजी करता है। यह मैदानी खेल है जो पिच पर खेला जाता है। अधिक रन बनाने वाले दल की विजय होती है। यह खेल रबड़, टेनिस अथवा सीजन बॉल से खेला जा सकता है। आपको अभी अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर में ही रहे और सुरक्षित रहे, और बार बार अपने हाथ धोते रहे, और कोरोना वायरस से अपनी और अपने परिवार की रक्षा करें। धन्यवाद।